प्लान मजबूरी है, प्लान ना करें तो क्या करें। और मेरे को ये नहीं समझ में आता है, बड़े अफसोस की बात है कि एक इंडस्ट्रीज होती है जो सिर्फ इंडस्ट्रीज होती है, और एक ये इंडस्ट्रीज ऐसी है जो जिसको मदर इंडस्ट्रीज कहेंगे। ये एक इंडस्ट्रीज 10 इंडस्ट्रीज को जन्म देती है, जैसे शू इंडस्ट्रीज, बेल्ट इंडस्ट्रीज, ग्लू इंडस्ट्रीज, लेदर बोर्ड इंडस्ट्रीज, ऐसे बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं। ये इंडस्ट्रीज इस इंडस्ट्रीज से पैदा होती हैं, जैसे कि प्रोडक्शन लोगों का बढ़े और शोषण के अलावा दूसरा कुछ नहीं होता। ये सब चीजें अगर सहूलियतें दे दी जाए तो हमको क्या फैक्ट्री के अंदर पूरी हिंदुस्तान में कई नहीं लगा है, आप चेक करा लीजिए, दिखला दीजिए। यहाँ प्राइवेट प्लांट भी लगे हैं, सेकेंडरी प्लांट भी लगा है, 10 दिन भी अपने प्लांट लगाए हुए हैं और छोटा पानी देती है। 10 दिन जो प्लांट लगते हैं उनका काम है कचरा रोकना, उनका काम नहीं है। पहले बात तो मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, टैंडरी का जो एफ्लुएंट निकलता है, जो दूषित पानी निकलता है, वो सीधा गंगा जी में जाता है। इस बात के लिए सरकार ने कहा है कि गंगा जी में पानी नहीं जाए, नदियाँ सुरक्षित रहेंगी, अक्षुण रहेंगी तो टैंडरियाँ भी रहेंगी और हम और आप सब लोग रहेंगे। जो बंगाल जाने की बात करते हैं, बंगाल में जहाँ पर इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं सारी, जहाँ पर ममता दीदी के जो कार्यकर्ता हैं वो लूट मचाते हैं, बिना उनकी मर्जी के कोई काम नहीं कर सकता। ये टैंडरी वाले जो हमारे मित्र हैं, जो सोच रहे हैं कि वहाँ जाएंगे, वहाँ ये मालिक नहीं होंगे, वहाँ उनकी पार्टी का कोई ना कोई कार्यकर्ता मालिक होगा, तो ये वहाँ जाएंगे भी नहीं, मुझे विश्वास है। और जो उनको कठिनाइयाँ हैं उसको सुनकर उसको दूर करेंगे। उनका ये कहना है कि जब भी यहाँ पे होता है हम लोग तो उनकी पूरी हेल्प करते हैं, लेकिन जो उनकी मशीनरी है, अधिकारी है, उनकी लापरवाहियों का हम लोगों को खामियाजा। देखिए, उस ऐसा नहीं है, सभी लोगों के जहाँ पर अधिकारियों की लापरवाही होगी वहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। और जहाँ पर टैंडरी वालों के द्वारा अगर सीधा गंगा जी में प्रदूषण डाला जाएगा तो उनको भी कहा जाएगा कि ये इस बात की इजाज़त किसी को भी नहीं है, क्योंकि देखिए गंगा साफ रहना हमारा धर्म है, और धर्म ही नहीं है, जीवन मूल्य की आवश्यकता है। और जिस समय जीवन मूल्य की आवश्यकता होगी वो सबके लिए है, हर प्राणी के लिए। बंगाल में लेकिन शिफ्ट होने थे, कोई मुझे नहीं लगता कि शिफ्ट करेंगे, मुझे लगता भी नहीं, वो व्यापारी हैं, समझदार हैं, मुझे लगता नहीं वो बंगाल गए होंगे। वहाँ पर मैंने आपको बोला ना, बंगाल से सारा व्यापार शिफ्ट हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ जाएंगे। फिर भी व्यापारी को इस बात की छूट है कि वो कहीं भी जा सकता है, कोई ज़बरदस्ती ना यहाँ रोक सकते हैं ना वहाँ उनको जाने से रोक सकते हैं, दोनों बातें नहीं हैं। लेकिन बंगाल का वातावरण तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा खराब है, मुझे लगता है कि वो नहीं जाएंगे, और जो भी उनकी समस्याएं होंगी उनको। आरो खबरें अपडेट पेते सब्सक्राइब करूँ यूट्यूब चैनल और बेल आइकने क्लिक करूँ नोटिफिकेशन पेते।